और यहाँ से ये फर्टिलाइजर की सेटिंग की जाती है। फर्टिलाइजर की सेटिंग में एक बैग प्रति एकड़ सींचना है या दो बैग प्रति एकड़ डालना है, तो उस हिसाब से इस मशीन की हम सेटिंग करते हैं, जो कि अंदर से यहाँ से डाला खुल जाता है उतना ही वो गिरेगा जितना हम इस पर सेट करेंगे। नमस्कार किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मशीनें लेकर आते रहते हैं, जिनसे कि किसान भाइयों को पता चले कि एग्रीकल्चर की जो मार्केट में से नई टेक्नोलॉजी वाली कौन सी मशीन आ रही है और किस प्रकार आ रही है। उसी क्रम में आज हम आपके लिए शक्ति किसान की फर्टिलाइजर मशीन लेकर आए हैं। इससे किसान भाइयों को क्या प्रॉफिट होगा, किस प्रकार किसान भाई इसे यूज़ करेंगे, कितने HP ट्रैक्टर से चलेगा, इसका एक घंटे की क्या कैपेसिटी है, किस प्रकार ऑपरेट होगी और आपके लिए ये फायदेमंद किस प्रकार रहेगी, वो संपूर्ण जानकारी आपको सर देंगे। और आज हमारे साथ सर, तो सर सबसे पहले जो भी किसान भाई आपको देख रहे हैं, सबसे पहले अपना परिचय और कंपनी के बारे में बताइए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं रामरतन पाल शक्तिमान रोटोवेटर कंपनी से सेंट्रल MP भोपाल देखता हूँ। मेरी कंपनी राजकोट गुजरात की है, जो वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के कृषि यंत्र किसान भाइयों को मुहैया कराते हैं। करीब 25 साल से हमारी कंपनी लगातार बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के लाती है। उसी की श्रृंखला में आप ये देख रहे हैं, ये शक्तिमान फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर है, जो कि दानेदार फर्टिलाइजर कोई भी बड़ी आसानी से ये सींचता है। चाहे आप उसमें यूरिया का छिड़काव करें या सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार जो आता है, वो भी आप इससे बहुत बेहतर तरीके से छिड़काव कर देते हैं। आज आप देख रहे हैं कि किसानी में मजदूरों की बहुत कमी महसूस की जा रही है, जो कि खेतों में काम करने के लिए किसानों को मजदूर नहीं मिलते हैं। उसी श्रृंखला में ये मशीन बहुत किसानों को सपोर्टेड है। ये खाद और रासायनिक खाद जो भी सींचता है हमारा फार्मर, उसमें हाथों में भी तकलीफ़ आती है, हाथों में केमिकल की वजह से तकलीफ़ आ जाती है, और दिन भर वो काम करता है तो एक किसान मुश्किल से 8 से 10 बैग ही वो अपने फार्म में डाल पाता है। इस मशीन को ट्रैक्टर से आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, PTO से ये चलती है। एक बार में 8 बैग यानी 8 बैग इसमें डल जाता है दानेदार फर्टिलाइजर। तो सर, जैसे कि आपने ट्रैक्टर की बात की और 8 बैग, अगर किसान भाई को ये मशीन की जानकारी ले ले तो उनके पास कितने HP का ट्रैक्टर होना चाहिए जब ये मशीन वो ऑपरेट करे? जी, इसमें ट्रैक्टर का HP जो है, नॉमिनल ट्रैक्टर HP की रिक्वायरमेंट होती है, 20 हॉर्स पावर से लेके आप 25-30 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से लगा सकते हैं, जो कि हर किसान भाई के पास इतना जो कि तो ट्रैक्टर मिल जाता है। बराबर है, हर किसान भाई के पास इतना छोटा ट्रैक्टर भी होता है, इसमें हायर HP की आवश्यकता नहीं है। जितना कम HP का ट्रैक्टर होगा, 20 से 25 HP का, वो डीजल कंजप्शन भी कम लेगा और काम बराबर वो ही करेगा। मैं यदि बात करूँ, एक दिन में 8 घंटे यदि हमारा किसान इससे काम करता है तो ये करीब करीब 60 से 65 एकड़ प्रतिदिन इससे काम कर सकता है, जो कि कॉस्ट सेविंग के लिए बहुत बेटर मशीन है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि 8 बैग, यानी इसकी कैपेसिटी कितने केजी तक इसमें खाद डाल सकते हैं? इसमें 400 लीटर का ये टैंक रहता है लिक्विड में, और इसमें दानेदार फर्टिलाइजर 8 बैग बनते हैं, जो कि 45 के हिसाब से 340 केजी इसके डाले में आसानी से आ जाता है। और तो इसके इजी ऑपरेट के बारे में भी किसान, जैसे कि हैंडल है तो एक किस काम में? 3 लिंकेज होता है यहाँ से ट्रैक्टर में, ये आसानी से अटैच हो जाता है, और यहाँ से ये फर्टिलाइजर की सेटिंग की जाती है। फर्टिलाइजर की सेटिंग में एक बैग प्रति एकड़ सींचना है या दो बैग प्रति एकड़ डालना है, तो उस हिसाब से इस मशीन की हम सेटिंग करते हैं, जो कि अंदर से यहाँ से डाला खुल जाता है उतना ही वो गिरेगा जितना हम इस पर सेट करेंगे। एकड़ में यदि हमको 50 केजी डालना है तो ये 50 केजी डालेगा, एकड़ में हमको 100 केजी डालना है तो ये 100 केजी डालेगा। इसमें मशीन में ऑटोमेटिक हमने सेटिंग दे रखी है, यानी बिना कंप्यूटर सिस्टम के भी कंप्यूटर वाली मशीन हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार ऐसी इसको खोलेंगे और एक बार में ये 40 से 45 फुट की जगह लेके कवर करती है, और पूरी मशीन आसानी से एक एक खाद का एक एक दाना फसल तक पहुंचाता है, जो कि मजदूर तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि इतना एक्यूरेसी में ये किसान छिड़काव कर सकता है। अगर इसके एरिया की बात करें तो अगर इसके एरिया कितने फुट तक कवर कर देती है? ये 40 से 45 फीट की जगह कवर करके चलता है एक राउंड में, और विशेषता ये है कि जो पहला यूरिया किसान गेहूं में डालता है वो 15 से 20 से 25 दिन के अंदर में डालता है, तो उस समय क्या होता है कि फसल लगी रहती है, तो किसान भाइयों के माइंड में होता है कि ट्रैक्टर के टायर से हमारी फसल ख़राब हो सकती है। बट जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर से उसका खेत दबता तो है लेकिन सेकेंड डे या थर्ड डे वो फसल खड़ी हो जाती है, और उसमें 0% नुकसान है, कोई एक पौधे का डैमेज इसमें होता नहीं है।
तो सर जैसे कि आपने बताया कि 40-50 फुट जगह कवर करती है, तो किसान भाई को तो कितने समय की बचत हो गई इसमें? इसमें बहुत ज़्यादा समय की बचत हो गई। जो किसान भाई एक दिन में 4-5 एकड़ काम करते हैं, वो 50-50 60-60 एकड़ काम करते हैं, 70-70 एकड़ काम करते हैं, तो बहुत कॉस्ट सेविंग है। और जो लोग इसको टैक्सी टाइप जैसे हायरिंग का काम करते हैं, किराए पर काम करते हैं, जिनकी खेती कम है, उनके लिए दूसरों को काम करके उससे बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। एक बार वो सिस्टम भी दिखा दिए जहाँ से वो खाद फेंकने वाला, यहाँ से वो गिरेगा खाद नीचे और यहाँ से उसकी सेटिंग होगी। यहाँ से खुलता है, आइए इस साइड, ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये पूरा डाया लेके चलता है, तो पूरा प्रकाल की तरह ये पूरे में खाद को 40 फुट फेंकता जाता है। वन साइड यदि किसी दूसरे का खेत है और हमको हमारे ही खेत में डालना है, एक साइड से नहीं डालते, तो यहाँ लेफ्ट राइट की सेटिंग है। इतना 20 फुट पे आप राइट साइड काम कर सकते हैं, 20 फुट लेफ्ट साइड काम करते हैं। और सर जैसे हम इसके पीछे वाला ही हैंडल देख पा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका भी महत्व होता है। हाँ, यहाँ से 0 से 10 तक का ये नंबरिंग है, जहाँ हम जितना इसको खोलेंगे मशीन को उतना ही खाद इसमें गिरेगा। एक बार हम यहाँ 5 नंबर पे सेट कर देते हैं, फिर वहाँ से आगे से लीवर द्वारा इसको सेटिंग कर लेते हैं। यानी कि यहाँ बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक बार सेट करने के बाद में किसान भाई को ऐसा नहीं कि बार बार सेटिंग हो गई, ये हो गई, कोई दिक्कत वाली किसी कुछ कुछ नहीं, इजीली मूव करती है और लॉन्ग टाइम चलती है, कम कीमत में बहुत अफेक्टिव प्रोडक्ट है ये। अगर सर इसकी कीमत की बात करें तो ये कीमत रिटेल मार्केट में इसकी 42,000 के आसपास किसानों को आसानी से हमारे डीलर पॉइंट पर मिल जाती है। और जैसे कि आपने बताया कि 42,000 में किसान भाई को मिल जाएगी, अगर कोई किसान भाई घर बैठे मंगवाना चाहता है, अगर वो पता करना चाहता है कि हमारे नज़दीक में कौन सा डीलर है, तो वो क्या प्रक्रिया रहेगी? आज मध्य प्रदेश में शक्तिमान के 100+ डीलर काम कर रहे हैं। ज़िले में जितनी भी तहसील है, तो तहसील पॉइंट पे भी मेरे डीलर बैठे हुए हैं, और बाकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी लगातार सेवाएँ दे रहे हैं। तो जिस ज़िले में किसान भाई बैठे हैं, वहाँ अपने स्थानीय डीलर के माध्यम से इसको परचेस कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैं कंपनी का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उनसे आप संपर्क करके आपके अपने नज़दीक एरिया के अंदर जो भी डीलर होगा वहाँ का आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आप कंपनी में भी विजिट करना चाहते हैं तो कंपनी में भी विजिट कर सकते हैं। राजकोट में मेरी कंपनी है, आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास है, और वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी मशीनें तैयार करती है। बहुत सारी मशीन रेंज हमारे पास है, इंडिया के अलावा 92-93 कंट्री में हमारी कंपनी एक्सपोर्ट करती है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने की हमारी जो संकल्प है कंपनी का, वो है। तो किसान भाई, फॉर द फार्मर बाय द फार्मर हमारी कंपनी का स्लोगन है, किसान की कंपनी किसान के लिए सर, और हमारा मकसद है किसानों के लिए, किसानों के साथ। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि यह मशीन आपको पसंद आएगी, और इस मशीन में आपको नया क्या लगा वो भी कमेंट करें, और इनकी संपूर्ण जानकारी तो सर ने दे ही दी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल ही जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे कमाल के और शानदार वीडियो में, और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आएँ वो चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें। तब तक जय जवान, जय किसान, जय शक्तिमान।